please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. हर घर के किचन में कौन सी एक चीज बिल्कुल समान होती है? लोहे का वो भारी भरकम गैस सिलेंडर। लेकिन सोशल मीडिया का दावा है कि आपके घर के सिलेंडर की शक्ल अब बदलने वाली है। भाई कहा यह जा रहा है कि बाजार में नया एलपीजी सिलेंडर आ गया है, क्या पुराने सिलेंडर का मेकओवर हो गया है? हमारे घरों में रसोई मॉड्यूलर किचन में बदल गई, लेकिन कुछ नहीं बदला तो वो है ये सिलेंडर। सालों से हमारी रसोई में लोहे का यही सिलेंडर है, लेकिन सोशल मीडिया का दावा है कि जल्द ही लोहे के इन सिलेंडरों के दिन लदने वाले हैं, क्योंकि बाजार में आ गए हैं ये नए सिलेंडर। तो क्या बाजार में नए सिलेंडर आ चुके हैं? ये नए सिलेंडर कितने रुपए का होगा? क्या इस नए सिलेंडर को लाने के पीछे सरकार का कोई फैसला है? इन नए सिलेंडर की खासियत क्या है? वायरल हो रहे वीडियो में जो सिलेंडर दिखाया गया है वो एचपी कंपनी का है, इसलिए इन सिलेंडरों की जानकारी जुटाने के लिए हम मुंबई में एचपीसीएल के हेड ऑफिस पहुंचे। यहां हमारी मुलाकात हुई महाप्रबंधक देवाशीष चक्रवर्ती से। इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम तीनों के बिहाफ में मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम के अंतर्गत हम लोगों ने कॉम्पोजिट सिलेंडर्स को लॉन्च किया है। कॉम्पोजिट सिलेंडर जो कि इसे पॉलीमर से बना होता है, स्टील सिलेंडर ही यहाँ पे है, जबकि विदेशों में ये कॉम्पोजिट सिलेंडर 30-32 सालों से चल रहे हैं। तो हमने भी सोचा कि भारत में क्यों ना जो उपभोक्ता है एलपीजी के उनको ज्यादा और ऑप्शंस दिए जाए। पॉलीमर से बने नए सिलेंडर 5 वजनों में मौजूद हैं। अपनी सुविधा के हिसाब से आप जितने भी वजन का सिलेंडर खरीद सकते हैं। ये कम्पोजिट सिलेंडर 2 किलो, 5 किलो, 7 किलो, 10 किलो और 15 किलो के साइज में उपलब्ध है। इनमें 5 किलो वाले सिलेंडर की कीमत 400 रुपए है और 15 किलो का सिलेंडर 1250 रुपए का है। लेकिन इन सिलेंडर को लाने के पीछे वजह क्या है? तो आपको बता दें कि इस नए सिलेंडर की खासियत की लंबी फहरिस्त है। आग लगने पर इन सिलेंडर में तेज दबाव नहीं बनता। पॉलीमर से बने होने की वजह से आग से इन सिलेंडर का बाहरी हिस्सा पिघलने लगता है, जिससे सिलेंडर में मौजूद एलपीजी धीरे धीरे रिसने लगती है। इससे सिलेंडर में अचानक ब्लास्ट नहीं होता। लोहे के इन सिलेंडर को हटाओ और फर्श पर पड़े होंगे जंग के ये जिद्दी दाग, जिन्हें साफ करते करते आपकी कमर ही टूट जाती है। लेकिन पॉलीमर से बने नए सिलेंडर में जंग का कोई चांस नहीं। ये भारी भरकम सिलेंडर उठाना किसी पहाड़ उठाने से कम नहीं, लेकिन नए सिलेंडर के साथ ये दिक्कत नहीं है। ये इतने हल्के हैं कि आप इन्हें एक हाथ से ही उठा लें। आप चाहें तो आप इन्हें अपने सफर में भी ले जा सकते हैं। अचानक गैस खत्म हो जाती है और खाना पकाते पकाते ही सिलेंडर बदलने का झंझट, लेकिन नए सिलेंडर में इसका भी उपाय है। ये सिलेंडर ट्रांसल्यूसेंट है, यानी सिलेंडर में कितनी एलपीजी है ये आपको बाहर से ही साफ दिखाई देगी। फिलहाल तो ये नए सिलेंडर अहमदाबाद, मुंबई, नवी मुंबई और पुणे में शुरू किए गए हैं, लेकिन जल्द ही ये आपके घर की रसोई में भी होंगे। न्यूज 18 इंडिया की पड़ताल में बाजार में नए सिलेंडर आने की वायरल खबर सही साबित हुई है। An apple a day keeps a doctor away. अंग्रेजी की ये कहावत तो आपने बहुत बार सुनी होगी, लेकिन एक वायरल मैसेज का दावा है कि सेब एक स्वस्थ शरीर की गारंटी नहीं है, उल्टा सेब के बीजों में होता है खतरनाक साइनाइड जहर, ऐसा जहर जो चंद सेकंड में ही मौत की नींद सुला सकता है। क्या अगर गलती से भी सेब का बीज खाया तो मौत निश्चित है? साइनाइड, कुख्यात जहर। साइनाइड निकलते ही चारों तरफ अंधेरा छा जाता है, शरीर में कंपन होने लगती है, दिल का दौरा पड़ता है, सांस उखड़ने लगती है और इंसान तड़प तड़प कर मर जाता है। लेकिन सोशल मीडिया का दावा है कि साइनाइड का जहर खाए बगैर भी आपको जान का खतरा हो सकता है, क्योंकि सेब तो खाते ही होंगे आप, और सेब के साथ कभी कभी उसके बीज भी खा लिए तो क्या दिक्कत है? लेकिन सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस मैसेज को पढ़ने के बाद दिक्कत जरूर होगी।
हाल ही में ऑस्ट्रेलिया में हत्या का एक मामला सामने आया, जिसमें एक भारतीय महिला ने अपने पति को कूटे हुए सेब के बीज खिलाकर मौत के घाट उतार दिया। महिला और उसके प्रेमी को 22 और 25 साल की कैद हुई। अब तक मुझे नहीं पता था कि सेब के बीज में साइनाइड होता है। ये एक कारण है जिस वजह से कीड़े मुश्किल ही सेब की फसल को निशाना बनाते हैं। कृपया सेब खाने से पहले उसके बीज निकाल लें। क्या सेब के बीज में वाकई साइनाइड जहर होता है? क्या एक सेब के बीजों में इतना जहर होता है कि वो इंसान को मौत के घाट उतार दे? क्या सिर्फ सेब का बीज ही जानलेवा है? वैसे सेब खाने से कोई दिक्कत नहीं? वायरल मैसेज के दावे की सच्चाई जानने के लिए हमने देश के 4 राज्यों में 3 मोर्चों पर पैनी पड़ताल शुरू की। एक तरफ हमने कश्मीर और छत्तीसगढ़ में हॉर्टिकल्चर एक्सपर्ट से बात की, तो भोपाल में हम केमिस्ट्री प्रोफेसर से मिले। तीसरे मोर्चे पर पड़ताल के लिए हमने मुंबई में नानावटी अस्पताल में क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट उषा किरण सिसोदिया से बात की। जो सीड होते हैं एप्पल्स के सीड, उसमें अमिग्डलिन नाम का सब्सटेंस पाया जाता है, जो कि हमारे जब भी हम उसको खाते हैं या उस बहुत सारा मीन्स अमाउंट में अगर हमने लिया है, तो हमारी बॉडी में वो डाइजेस्टिव जूसेस के साथ मिक्स होकर हाइड्रोजन साइनाइड बनाता है, जो कि बहुत ही खतरनाक होता है। अगर कोई किसी ने मॉब मूवी देखी हो तो उसमें भी ये फैक्ट बताया गया है कि एप्पल सीड्स में साइनाइड होता है। एक्चुअली ये एमाइड ग्लेडन एक केमिकल होता है। सो ऐसे ये हार्मफुल नहीं होता है बॉडी के लिए, बट बॉडी के अंदर जब जाता है और उसको च्यू कर लेते हैं, सीड को च्यू करते हैं, इट कन्वर्ट इनटू द साइनाइड। अगर आपने कभी गलती से सेब के बीज निगल लिए तो कोई दिक्कत नहीं। सेब के साबुत बीज शरीर के लिए जानलेवा नहीं होते, क्योंकि जहर बीज की मोटी परत के भीतर रहता है। परेशानी तब होती है जब आप सेब के बीजों को चबा जाए, क्योंकि तब बीज का जहर उसकी सुरक्षित कोटिंग से बाहर निकलकर आपके शरीर के संपर्क में आ जाता है। मगर तब भी जान को खतरा नहीं होता, क्योंकि साइनाइड की ये मात्रा बेहद कम होती है। मनुष्य की मृत्यु के लिए करीब करीब 2 माइक्रोग्राम इसकी साइनाइड की आवश्यकता पड़ती है। अगर इससे कम रहेगा तो कोई भी हानिकारक नहीं रहेगा, पर अगर जितनी मात्रा सेब के बीजों में पाई जाती है तो इतनी मात्रा के लिए करीब करीब हमको 200 बीज की आवश्यकता होगी। सेब के बीज को हम साबुत निकल जाएंगे, उसके ऊपर इतना हार्ड सीड कोट होता है, उस पर क्या बॉडी की कोई एंजाइमेटिक रिएक्शंस नहीं होती है। जो ही अगर हम इस सीड को चबाएंगे या क्रश करेंगे, जो हमारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं उनके साथ मिलकर ये हाइड्रोजन साइनाइड फिर बनाता है। अगर एक इंसान का बॉडी वेट 70 kg होगा, उसका मतलब है अगर हम 50 से 60 mg खाएंगे, ये एमेगाडलिन खाएंगे, तो आदमी मर सकता है। इस खबर को देखने के बाद अगर आपके जहन में सेब के बीजों का खौफ बैठ गया है, तो आपको बता दें कि सिर्फ सेब ही नहीं बल्कि चेरी, आड़ू और खुबानी के बीजों में भी एमेगाडलिन होता है। सेब के सिर्फ बीजों से ही खतरा है, वो भी तब जब वो भारी मात्रा में चबा लिए जाए या उनका पाउडर खा लिया जाए और आप सेब खाते हैं, उसके बीज नहीं, तो घबराने की कोई बात नहीं है। सेब अपने आप में एक सेहतमंद फल है। न्यूज 18 इंडिया की पड़ताल में वायरल खबर सही साबित हुई है। एक गांव में बिजली लाने के लिए वर्ल्ड बैंक सोलर पैनल लगवाता है, लेकिन अनपढ़ गाँव वाले उनके गाँव को रोशन कर रहे इसी सोलर पैनल पर ही हथौड़ा चला देते हैं। वजह क्या है? सोशल मीडिया का दावा है कि एक पंडित ने गांव वालों से यह कह दिया कि सोलर पैनल उनके सूर्य देव को नाराज कर रहे हैं, और बस गांव वालों ने अपने भगवान को मनाने के लिए हथियार उठा लिए। क्या अंधविश्वासी गांव वालों के सोलर पैनल तोड़ने की खबर पक्की है? हथौड़ा सोलर पैनल पर चल रहा है, लेकिन कुल्हाड़ी गांव वालों के पैरों पर ही पड़ रही, क्योंकि ये सोलर पैनल तो गांव वालों की जिंदगी में उजाला लाने के लिए लगाए गए हैं, और ये है कि अपना ही नुकसान करने में लगे हैं। पूरी टोली सोलर पैनल पर अपने हुंदक निकाल रही है। इन लोगों की ये हरकत देखकर आप इन्हें मूर्ख ही कहेंगे, लेकिन अगर आपको इनके सोलर पैनल को तोड़ने की वजह पता चल जाए तो आप अपना सिर ही पीट लें। धर्म की ताकत। भारत में वर्ल्ड बैंक ने गांव को बिजली और पानी के लिए सोलर पैनल दिए, लेकिन एक हिंदू पुजारी ने कह दिया कि सोलर पैनल उनके भगवान से लड़ रहा है, और गांव वालों ने सोलर पैनल तोड़ दिए। क्या विडंबना है, सोलर पैनल इनके सूर्य भगवान को परेशान कर रहे थे।
विकासशील देश का विकास मॉडल, एक कदम आगे तीन कदम पीछे, सोलर पैनल की तोड़फोड़ ताकि सूर्य देव सुरक्षित रहे, जय हो। इन दावों पर क्या कहेंगे आप? भारत की भद्दपीठता ये वीडियो वायरल होते होते सात समंदर पार पहुंच चुका है। अमेरिका में रहने वाले जेम्स एम वोपे ने ये वीडियो शेयर किया है और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जेम्स के इस पोस्ट को अब तक दुनिया भर से 55 लाख लोग देख चुके हैं। 89,000 लोग इस वीडियो को शेयर कर चुके हैं। इस वीडियो को देखने के बाद दुनिया भर में भारत की थू-थू हो रही है, हमारा मजाक उड़ाया जा रहा है। सवाल ये है कि गांव वाले सोलर पैनल आखिर क्यों तोड़ रहे हैं? क्या गांव वालों को बिजली नहीं चाहिए? इतना अंधविश्वास कि एक पुजारी ने कुछ उल जलूल बात कह दी और गांव वालों ने सोलर पैनल तोड़ डाले। हमने पड़ताल की तो पता चला कि ये वीडियो महाराष्ट्र के जलगांव जिले में 40 गांव तालुका का है। बोडरे शिवापुर गांव में 110 मेगावाट का सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट है। 1200 एकड़ में फैले इस प्रोजेक्ट का मालिक है अवाडा सोलर ग्रुप। वायरल वीडियो भी कोई अभी का नहीं बल्कि नवंबर 2017 का है। गांव वालों ने सोलर पैनल तोड़े जरूर थे लेकिन जो वजह थी वो वायरल वीडियो के दावे के बिल्कुल उलट है। इनको बताया गया था कि आपकी प्रति एकड़ यहां पर 30 या 40 लाख रुपए से खरीदी की जाएगी, लेकिन बाद में जब किसानों को पता चला कि हमारी जमीनें अभी गई है तो उन्होंने ये कंपनी के साइट पे जाकर बहुत हंगामा खड़ा किया था, सोलर पैनल फोड़े थे। किसी के कहने पर नहीं की थी, कोई तांत्रिक मंत्रिक या किसी साधु बुआ के कहने पर नहीं की थी। हमारा राजू सेठ फसून टाकल दलाल हमचाकून घेतलं ते 30 लाखांना ते आम्हाला पैसे नहीं अजून भेटले। आम्हाला मना लागले तुम्ही या तिथे सही अंगूठा करा, आमचे सही अंगूठा घेतले ते। आम्हाला जर काहीच नाही जर केले आम्ही तोडफोड करणारच। आमचे 30 लाखांना सांगितलं ते अनसवाला काल आम्हाला दिले, मग काय नाही दिले आम्हाला, आम्हाला सांगितलं आम्हाला धमकी द्यायचं असं करू तसा करू। गांव वालों से उनकी जमीन लेकर प्रोजेक्ट बना दिया गया और पूरा मुआवजा तक नहीं दिया गया। ऊपर से सोलर प्रोजेक्ट के निर्माण के लिए उनसे मजदूरी भी करा ली और कंपनी ने उसके भी पैसे नहीं दिए। अपने हक की लड़ाई के लिए गांव वाले अब ये मामला अदालत ले गए। 100 एकड़ के ऊपर जमीन खरीदनी है तो उसने भूसंपादन कायदा 2013 के अंतर्गत ही जमीन खरीदनी है, ऐसा प्रावधान केंद्र सरकार ने एक्ट के अंदर लागू किया है। सरकार का भी नुकसान ऐसा हुआ है कि अगर 2013 का भूसंपादन कायदा लागू होता तो ये जो जमीन का खरीदी बिक्री जो व्यवहार है वो कलेक्टर साहब की तरफ से होता था और जो जमीन का रेट तय किया जाता, जो मुआवजा वो किसान को मिलता उसमें से 10% सरकार को मिलता। ये प्रोजेक्ट गौताला अभयारण्य के पास बना है जो कि एक इको सेंसिटिव जोन है। हैरानी की बात ये है कि वन विभाग की मंजूरी के बगैर ही इलाके में ये प्रोजेक्ट शुरू हो गया। अब वन विभाग ने कंपनी को नोटिस भेजकर जवाब मांगा है। किसानों की यहाँ पे जो खेती करते थे वो एक साल पहले वो खेती अभी नहीं है, जहाँ उनको रोजगार मिलता था, बच्चों को मिलता था, खाने पीने को अनाज मिलता था, वो यहाँ पे नहीं मिल रहा है। अभी उनपे ऐसी आई कि वो भूमिहीन हुए और उनपे भूखमरी की आज मुसीबत आ हुई। सोलर प्लांट पर कंपनी का कोई जिम्मेदार अधिकारी मौजूद नहीं था, इसलिए कंपनी का पक्ष जानने के लिए हमने कंपनी को ईमेल किया लेकिन 4 दिन बाद भी कंपनी ने हमें कोई जवाब नहीं दिया। सोशल मीडिया पर अंधविश्वास का नाम देकर विदेशों में भारत की छवि खराब करने की कोशिश की जा रही है। नाराज गांव वालों ने सोलर पैनल तोड़े जरूर थे लेकिन किसी ढोंगी की बातों में आकर सूर्य देव की रक्षा के लिए नहीं बल्कि अपनी बात की सुनवाई न होने पर, लिहाजा वायरल खबर गलत साबित हुई है।